मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के फर्स्ट रिव्यूज आउट हो चुकी है। दरअसल शो के 17 नवंबर को 2 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, पर कुछ क्रिटिक्स को अर्ली स्क्रीनिंग कराई गई थी। तो क्या शो देखने लायक है या नहीं, और इन क्रिटिक्स की इस शो को लेकर क्या राय है, तो चलिए इस वीडियो में इसे देखते। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में हमें मल्टीपल टाइमलाइन दिखने वाली है, और जिसके साथ मोनार्क के इतिहास और प्रेजेंट को एक्सप्लोर किया जाएगा। रिव्यू एम्बार्गो हटा दिए जाने की वजह से कुछ क्रिटिकल व्यू हमारे सामने आए हैं। अब तक तो शो को लेकर मेजॉरिटी लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, लेकिन एवरेज स्कोर देखा जाए तो सिर्फ 5 में से 3 निकल कर आ रहा है, जो कि मॉन्स्टरवर्स के हिसाब से अच्छी बात है। कुछ लोगों के ओपिनियन तगड़े निकल कर आ रहे हैं, पर ज्यादातर रिव्यूज में हमें सेम खामियां देखने को मिल रही है। मामास गिगी की टेसा स्मिथ ने कहा है कि अगर आप गॉडज़िला मूवी के फैन हो तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। ज्यादातर क्रिटिक्स ने शो के टाइमलाइन में मॉन्स्टर के प्लेसमेंट को सहारा है, लेकिन जब हम वर्ज के चार्ल्स का रिव्यू देखते हैं, उनका कहना है कि जहां एक तरफ मॉन्स्टर अकेले स्क्रीन पर लाजवाब दिख रहे थे, तो वही दूसरी तरफ इंसानों के साथ का इंटरेक्शन विजुअली कमजोर लगता है, जिससे पता चलता है कि कई सारे सीन ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किए गए होंगे। सीजन 1 का रोटेन टोमेटो स्कोर भी बहुत लाजवाब निकल कर आया है, जहां इस वीडियो को बनाते वक्त 93% का ताजा टमाटर सीजन 1 को क्रिटिक्स ने दिया, जो मॉन्स्टर्स का फिलहाल हाई स्कोर है। शो के वर्ल्ड बिल्डिंग को भी काफी प्रेज किया जा चुका है। एम्पायर मैगजीन के जॉन न्यूगेट ने कहा कि जरूर ये मॉन्स्टर्स का हाई पॉइंट नहीं, पर उसकी सबसे कमजोर कड़ी भी नहीं, जहां एक सेटिस्फाइंग लॉन्ग फॉर्म वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है, और उसके ऊपर से तड़के की तरह वैट और कर्ट रसल की लाजवाब परफॉर्मेंस, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। शो के कास्ट को रिव्यूज में काफी सहारा गया, स्पेशली वैट और कर्ट रसल के फादर सन ड्यूओ को। कई ने कहा कि शो की कास्ट ने जो भी यहाँ कमियां थी उन्हें भरकर निकाला, और कहीं भी कहानी को कमजोर पड़ने नहीं दिया, लेकिन कुछ एस्पेक्ट है जहाँ शो थोड़ा मार खाता है। काफी क्रिटिक्स का यही कहना है कि इन सभी खामियों को अवॉइड किया जा सकता था, जैसे कि शो की पेसिंग और भी अच्छी हो सकती थी। जहाँ कुछ ने कहा कि पायलट एपिसोड के साथ कहानी धमाकेदार तरीके से शुरू होती है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं शो धीमा होता चलता है। वही कुछ ने कहा कि ह्यूमंस इमोशन कुछ ज्यादा ही दिखाई दिए गए, जो कई मॉन्स्टर फैंस का दिल दुखा सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी रिव्यूज अब तक सामने आए हैं उनमें शो की तारीफ भी की जा चुकी है। तो क्या आप एक्साइटेड हो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस तरह के और इंटरेस्टिंग गॉडज़िला रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।